गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। इंसानों की जिंदगी सस्ती और रोजाना काम आने वाली चीजें महंगी, ये हाल है आज के अफगानिस्तान का। जहां लोगों की जिंदगियां कौड़ियों के मोल हो गईं, तो वहीं आम इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें महंगी हो गई हैं। किसी के लिए बैंकों से पैसे निकालना मुश्किल हो रहा है, तो किसी के लिए खाने पीने की चीजें खरीदना। काबुल की यही वो तस्वीरें हैं जो इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि बैंकों में पैसे खत्म हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खाने पीने की चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था वाले इस देश की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। डॉलर की तुलना में लड़खड़ाती अफगानी मुद्रा लगातार लुढ़कती जा रही है, जिससे रोजाना काम आने वाली चीजें बेहद महंगी हो गई हैं। महंगाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक बोरी आटे की कीमत यहां $23 से ज्यादा हो गई है। दूसरी ओर तालिबान ने देश की बैंकिंग सेवाओं पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। यहां लोग बैंकों से एक हफ्ते में सिर्फ $200 तक ही पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे में लोग तालिबान से अपील कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाओं पर लगी पाबंदियों में ढील दी जाए, जिससे बढ़ती महंगाई को काबू में लाया जा सके। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ही सही कुछ सुधार यहां देखने को मिल रहा है। शनिवार को 3 हफ्तों तक बंद रहने के बाद एक बार फिर काबुल में मौजूद देश के सबसे बड़े एक्सचेंज मार्केट को खोल दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की हालत में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे यहां रहने वाले आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी।